हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो चलिए, जहाँ से पिछला वीडियो हमने समाप्त किया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो पेड़ों में हमने पानी वगैरह डाल दिया था और फिर आ गए थे नीचे, खाने की तैयारी करने लगे। और खाने में हम बनाने जा रहे हैं आज छोला, और देखते हैं पूरी पराठा क्या बनता है। तो यहाँ छोटा वाला बेटा जो है अपने बड़े भाई की शिकायत कर रहा था हमसे, मम्मी दद्दा ने मतलब मेरी बॉल जो है बिना पूछे हमसे और नाली में फेंक दी। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने फेंका नहीं था, वो बाहर धुलाई कर रहा था, पानी डाला तो पानी के बहाव से बॉल इसकी जो है नाली में चली गई, और बस इसीलिए वो शिकायत कर रहा था। तो चलिए, ये तो बच्चों में लगा ही रहता है। और दोस्तों, पूरी वीडियो पर बने रहिए। आज का हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक करके ही जाएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो इनका नाटक यहाँ स्टार्ट हो गया है। जो है इनके पापा मतलब अपना कपड़ा सिलवा के लाए थे, तो वही ये उनका पैंट लेके पहन के आया है हमको दिखाने के लिए। ये ड्रामा इसका चलता रहता है। तो छोला हमारा लगभग में बन ही गया है, और इधर अब आटा लगा लेते हैं। तो पहले तो पूड़ियाँ खाने की इच्छा थी, मतलब सब लोग कह रहे थे कि पूड़ी बना लो, हस्बैंड भी बोल रहे थे, और बच्चों की भी इच्छा थी कि पूड़ियाँ ही बना लो, क्योंकि पूड़ी वगैरह इन लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन मेरा मन नहीं था कि पूड़ियाँ बनाऊँ, तो इसीलिए फिर हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, नहीं इच्छा है तो मत बनाइए, और जो है कस्तूरी मेथी और हरा धनिया प्याज ऐसे डाल के तो अपना पराठा बना दो, तो उसके साथ खाने में अच्छा लगेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये बना देते हैं। और फिलहाल मैं तो पराठा भी नहीं खाऊंगी। और क्या हुआ, फिर थोड़ी सी रोटी रखी थी, एक दो रोटी दोपहर की रखी थी, तो हमने उसको खा लिया छोले के साथ, क्योंकि मैं चिकना खाना बिल्कुल भी अवॉइड करती हूँ। थोड़ा बहुत मतलब हो ही जाता है, लेकिन जहाँ तक कोशिश यही रहती है कि मैं चिकना ना खाऊं। तो इधर हम अपना आटा लगा रहे थे, और इनकी इच्छा थी कि आज पापा के लिए जो है सलाद जो है मैं कट करूँगा। तो हमने मना किया था कि बेटा कहीं हाथ वगैरह में लग जाएगा चाकू, लेकिन इसकी जिद थी कि नहीं, आज मैं पापा के लिए सलाद काटूँगा। तो हमने कहा ठीक है, कट कर लो। तो ज़्यादा अच्छा तो नहीं कर पाया है, और इस समय उनको भूत सवार है, ये बारीक बारीक करके और उसको फिर चम्मच से खाते हैं। और वैसे सलाद गोल काट के खाना ठीक रहता है, पर इस समय उनका यही है कि ऐसे बारीक कट करके खाते हैं। तो फिलहाल इसने कट कर लिया था, ज़्यादा अच्छा तो नहीं कर पाया था लेकिन कर लिया था। तो छोला हमारा बन ही गया, आप लोगों ने देखा, और बस वही आटा जो लगा के रखा था। तो फटाफट बना लेते हैं पराठा। यहाँ आप लोग सुन सकते हैं कि मेरा छोटा वाला बेटा जो है वही सूट कर रहा था और हमसे बातें कर रहा था, क्योंकि इनका नाटक यही रहता है कि शाम को मम्मी को सेट कर लूँ किसी तरह, तो सुबह स्कूल न जाना। वही हमको बता रहा था कि मम्मी इस समय स्कूल में कुछ करवाया नहीं जा रहा है, 3-4 दिन से यही सब चल रहा है, बस क्लास में मैम आती हैं और बस केवल ऐसे समझाती हैं, बाकी पढ़ाती वढ़ाती कुछ नहीं है, यही सब हमसे बता रहा था। तो हम बोल रहे थे कि नहीं, स्कूल तो जाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स जो है अभी मिल ही नहीं रहे हैं, जब आया ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको जाके पढ़ो भाई। लेकिन वही कह रहा था अभी स्कूल में कुछ कराया नहीं जा रहा है, तो इसी टॉपिक पे वो बात हमसे कर रहा था। तो लीजिए, हमारे बनने लगे हैं गर्मा गर्म पराठे, तो आप लोग भी आ जाइए छोला और पराठे खाने के लिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि छोला पराठा का कौन सा कॉम्बिनेशन है, शायद आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन क्या करें, ऑयली चीज़ से बचने के लिए हमने पराठा ही बना लिया। और ये फिर दूसरे दिन सुबह की क्लिप है, क्योंकि शाम का खाना वगैरह हो गया था, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं शूट किया था। तो सुबह के खाने में हम बनाने जा रहे हैं, मतलब बना रहे हैं कद्दू की सब्ज़ी। और ये पीला वाला कद्दू जो होता है तो बच्चे हमारे बहुत शौक से खा लेते हैं, हस्बैंड भी खा लेते हैं, मतलब ये पीला वाला कद्दू सबको पसंद है। वो जो ग्रीन वाला आता है ना, तो वो बच्चे नहीं खाते हैं, वो केवल हस्बैंड और मैं ही खाती हूँ, छोटा वाला बेटा थोड़ा बहुत खा लेता है। तो सब्ज़ी हमारी इधर बन गई है, और आज बहुत ढेर सारे काम हैं, यही मतलब पूरा दिन निकलने वाला है आज हमारा। क्योंकि क्या होता है ना कि होली में कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन फिर लोगों का इतना आना जाना लगा रहता है कि काम बढ़ ही जाता है। तो हमने आज फाइनली सोचा आज इस रूम की सफाई कर लेते हैं, और काम बहुत ज़्यादा था तो बहुत जल्दी भी सुबह उठ गए थे इसीलिए कि काम अपना निपटा लेंगे।
तो रूम का तो थोड़ा बहुत काम किया है, अभी पूरा नहीं किया है, और अभी हस्बैंड जो है नहीं गए हैं अपने काम पे, तो इसीलिए उनके लिए चढ़ा दी है चाय। मतलब ये बहुत सुबह की चाय नहीं है, ये जो दोबारा चाय पीते हैं नाश्ता वगैरह करने के बाद जाते समय, वो वाली चाय हम बना रहे हैं, क्योंकि जाते जाते उनकी कई चाय हो जाती हैं, तो इसलिए उनकी चाय बना रहे हैं। तो अपना वो चाय वगैरह पी के और अब निकल जाएंगे, क्योंकि नाश्ते के बाद जाने के समय वो एक बार ज़रूर चाय पी के जाते हैं। तो यहाँ हमने मतलब चाय वगैरह उनको दे दिया था, वो अपना पी के और निकल गए थे अपने काम के लिए। और यहाँ फिर हम लग गए हैं रूम में, क्योंकि आज सोचा था हमने कि गद्दे वगैरह जो हैं सारा कुछ मतलब धूप में डालेंगे, लेकिन हुआ क्या कि बड़ा वाला बेटा हमारा चला गया अपने पापा के साथ, कुछ काम था, तो इसीलिए फिर हमको कैंसिल करना पड़ा। क्योंकि इतने वजन हैं ये गद्दे कि मैं इनको उठाकर जीने पे नहीं ले जा सकती। फिलहाल छोटा वाला बेटा कह रहा था कि मम्मी एक तरफ से आप पकड़ लो और एक तरफ से मैं पकड़ लूँ, तो दोनों लोग अपना छत पर लेके जाके डाल देंगे। लेकिन हमने कहा नहीं, हम भैया नहीं ले जा सकते, और चलिए दीवान वगैरह ऐसे पोंछ के जो है और इसको साफ करके अच्छे से डाल देंगे, और फिर कभी दोबारा नंबर लगाएंगे तब फिर ये धूप में डालेंगे। क्योंकि जब धूप में बिस्तर वगैरह डाल दो तो उसके बाद थोड़ा बड़ा अच्छा सा फील होता है, वैसे काफी टाइम अगर धूप में नहीं पड़ता है तो यही लगता है, सफाई कितनी भी कर लो लेकिन यही लगता है कि अभी थोड़ा कुछ मतलब अभी बाकी रह गया है। मेरे साथ तो ऐसा है भाई, पता नहीं सबका, तो फिर नहीं जानती, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है जब धूप में बिस्तर वगैरह डाल देती हूँ तो मन बड़ा फ्रेश हो जाता है कि सारा कुछ एकदम बढ़िया साफ सुथरा हो गया है। तो आप लोग भी बताना कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? तो हमने कहा जब बिस्तर वगैरह दीवान पर से हटाया ही है तो थोड़ा बहुत सामान इसके अंदर सोच रहे थे कि रख दें, क्योंकि बिस्तर जब पड़ जाता है तो उसके बाद फिर खोलने में, फिर बिस्तर हटाओ ये वो है, तो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। तो फिर खोल के देखा हमने, लेकिन इसमें तो जगह ही नहीं था। सोच रहे थे कंबल वगैरह रख देंगे, लेकिन फिलहाल इसमें इधर उधर हटा के देखा, लेकिन नहीं, इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी, क्योंकि ये पहले से ही इतना भरा हुआ है। क्योंकि जैसा कि हमने कई बार बताया है कि हमारे घर में जो है टाँड वगैरह या अलमारियाँ वैसी नहीं बनी हैं, तो जो सामान वगैरह है तो दीवान में रखो या बक्से में रखो, तो इधर उधर रख के काम चलाना पड़ता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, कंबल वगैरह जो है बक्से में ही जाएंगे, और दीवान तो पूरा फुल पड़ा है, पापा तो वही गद्दे फिर हमने डाल दिए। पापा और वाले गद्दे ये नहीं दो डालते भैया, हैं, क्योंकि हुआ क्या, एक बार गद्दे का साइज लेकर गए दीवान का बनवाने के लिए, तो वो बनवा के लेके आए तो थोड़ा सा 2 अंगुल शायद कुछ छोटा लग तो रहा था, बड़ा तो हमने कहा ये भैया छोटा है, तो फिर दूसरा बनवा लेके आ गए। मतलब हम है तो तो अब दोनों गद्दे डाल देती हूँ इसी पर, क्योंकि रखने एक की तरफ से आप बिल्कुल भी पकड़ो जगह एक तरफ से नहीं हम है, पकड़ो। दीवान भी फुल है, बक्से भी फुल हैं, और क्या करें। मतलब हमने कहा चलो ठीक है, इस पे डाल देंगे तो अपना आराम से बढ़िया मोटा मोटा रहेगा और लेटने में भी अच्छा लगेगा, तो इसीलिए हमने दोनों गद्दे मतलब यहाँ दीवान पे डाल दिया है, और फिर ऐसे पड़ा रहेगा अपना। जब दोबारा अपना चेंज करवाना होगा तो दोनों गद्दे जो है एक में करवा देंगे तोड़ के, और फिलहाल तो अब अभी नया है तो अभी तो इतनी जल्दी करवाएंगे नहीं। तो यहाँ हमने मतलब ये दीवान सही कर दिया है, फिलहाल चद्दर और सोफा का कवर वगैरह जो है सब हमने मशीन में लगा दिया है, तो उधर वो अपना धुल रहे हैं और इधर हम अपने झाड़ पोछ में लग गए हैं। क्योंकि क्या होता है जब एक बार लग जाओ तो यही सोचो ये काम निपटा लूँ वो काम निपटा लूँ, और काम इतने सारे हो जाते हैं एक में लगे रहो तो एक पड़ा रहता है, क्योंकि जब दूसरा करने वाला होता है तो आराम रहता है कि चलो एक एक काम सबने ले लिया और काम जल्दी हो जाता है, लेकिन जब अकेले ही करना है तो उसमें तो टाइम लगता ही है। तो इधर हमने सोफा कवर जो भी था तो अपना मशीन में लगा दिया था निकाल के, और तब तक वो धुलते रहेंगे, और इधर हम अपना जो है झाड़ पोछ वगैरह जो है कर लेंगे। और कितना भी पोछो, मतलब डेली का है हमारा कि सोफा वगैरह हमेशा पोछते हैं झाड़ते हैं, लेकिन ना जाने कहाँ से धूल आ जाती है। मतलब इतना बंद घर है फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है, धूल का तो पता ही नहीं चलता है। और इस समय तो वैसे भी इतनी ज्यादा मतलब तूफानी हवा चलती है, धूल वगैरह इतनी ज्यादा मतलब मेज के नीचे और सारा कुछ मतलब जितना सामान रखा होता है सब पे केवल धूल धूल नजर आती है। तो
तो इसीलिए मतलब हमने सोचा चलो आज इसको हम झाड़ पोछ अच्छे से कर ही लेते हैं। वैसे भी कई दिनों से सोच रहे थे कि होली का जो है आना जाना थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद सोफे के कवर जो हैं और गद्दे मतलब वो सॉरी चद्दर और तकिए का कवर जो भी है सब कुछ अच्छे से धुल के फिर दोबारा अपना इनको सेट कर देती हूँ, तो तभी हमको चैन मिलेगा। तो यहाँ हस्बैंड जो है सुबह की पूजा वगैरह कर लिए थे, गाइस मेरे क्योंकि पापा पूजा सुबह पूजा कर की चुके हैं, ज़्यादातर वही पापा तो करते दुकान हैं। गए हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।